दोस्तों अभी बनाने वाले हैं देखिए पकोड़ा, वो भी भिंडी का। प्याज पकोड़ा भी बनेगा तो प्याज भी काटना है। चाकू प्याज ले लिए। तो दोस्तों अब हम टेस्ट करने वाले हैं पकौड़ी को। देखने में तो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी लग रहा है। ठीक है खाते हैं। आवाज़ सुन सकते आप लोग। हेलो दोस्तों आप सभी को स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों अभी शाम हो चुका है पूरा और दोस्तों आज दीपावली, तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और अभी पापा के साथ बैठे हुए हैं, अभी बन रहा है उधर खाना और आज कुछ स्पेशल चीज़ बनने वाला है तो आप लोग को पता चलेगा थोड़ी देर में क्या क्या हम लोग बनाने वाले हैं। आज दीपावली है तो थोड़ा कुछ बनाएंगे अच्छा पकवान और मिल के खाएँगे। बाकी उधर अभी फटाखा फूटना चालू हो गया है, हम लोग भी जलाएँगे दीप और बड़े मम्मी इन लोग जला रहे हैं। मतलब ऐसा होता है ना, हम लोग का साथ नहीं बनता है ना, जलाने बनता है, बनता है सभी को, बनता है सभी को बनता है ना। तो भी दीप भी जलाना है तो पहले बना लेंगे पकवान वगैरह, उसके बाद कौरमा चावल भी कूटे हैं, चावल का भी रोटी बनाना है, ये उधर रखे हुए हैं, सब बनेगा अभी। दोस्तों अभी बनाने वाले हैं देखिए पकौड़ा, वो भी भिंडी का। फर्स्ट टाइम बनाएंगे भिंडी का पकौड़ा। बाकी भिंडी काट लिए हैं और प्याज पकौड़ा भी बनेगा तो प्याज भी काटना है। चाकू प्याज ले लिए हैं तो चलिए फटाफट काट लेते हैं सभी को, उसके बाद फिर बनाना चालू करेंगे। तो दोस्तों अभी काट लिए हैं प्याज और भिंडी दोनों मिक्स करेंगे और एक सामान बनाना है ब्रेड चो। और इधर दादाजी भी आ गए हैं, बैठे अभी आके तो पकाएंगे और दादाजी को खिलाएंगे मस्त एकदम। चलिए अब पकाना स्टार्ट करेंगे। वहाँ पर अदन अभी हो रहा है तो हम लोग गैस में बनाएंगे। गैस भी है, गैस जला लिए हैं एकदम, तो अब काम आएगा अभी गैस। चलिए चालू करते हैं, अब हम लोग वेराइटी पकवान बनाएंगे। तो अभी गैस चालू करके कढ़ाई दे दी है गर्म होने के लिए, तब तक सामान तैयार करेंगे। इधर पेस्ट कहाँ है, बेसन वहाँ पर बेसन। और इधर दादाजी अभी पूजा का तैयारी कर रहे हैं, इसे बनाएंगे कांची दिया। कांची दिया जलाना है, कांची दिया तो अभी दादाजी ये तैयार करते हैं हर साल। अभी जब तक से दादाजी है तब तक से आप लोग का आसान है। हाँ सब यही करते हैं दादाजी। तो अभी इधर तेल भी डाल दिए हैं, अब गरम होगा और अब पकौड़ी के लिए इधर पेस्ट तैयार होगा। बेसन डालेंगे यहाँ पर, भिंडी का पकौड़ी बनाने वाले हैं। हाँ। काफ़ी मस्त लगेगा खाने में। तो हम लोग का पेस्ट अभी पूरा रेडी हो चुका है, जितना भी मसाला वगैरह थे सब दे दिए हैं। और उधर देखिए पापा भी पसा रहे हैं भात और कान में ले लिए रुआ। इतना जोर जोर अभी फटाका फोड़ रहे थे ना, बहुत भयानक, ऊपर से ना एकदम धूर मिट्टी गिरने लगा, भयानक। कौन बम तो पता नहीं। बाकी इधर देखिए तेल भी गर्म हो चुका है तो अब छाकेंगे। तेल के अंदर पकौड़ी चला गया है तो मस्त फ्राई होगा। बाकी बहुत ही मस्त दिख रहा है देखिए, प्याज और भिंडी का पकौड़ी। हाँ। फर्स्ट टाइम बना रहे हैं भिंडी और प्याज देखिए, बाकी आलू का बना रहे हैं। हाँ। ये खाने में टेस्ट लगता है। और इधर दादाजी देखिए पूरा तैयार कर दिए, कचिया दिया पूरा पत्तों में कर लिए। कई जोड़ा है, 3-5 जोड़ा है ना। द्वार द्वार में जित देना है, जितना द्वार है ना सभी में एक एक देना है। अभी सारा जो है कचिया दिया सब प्लेट में रख रहे हैं, पापा और दादाजी जाएंगे जलाने के लिए। पहले ये द्वार में देना है कि दादाजी वाला में, उधर पहले देना, उधर से देते हैं इधर लास्ट में, तुलसी पीढ़ा में पहले देना, पहले तुलसी पीढ़ा में। आज कचिया दिया ही जलाना है। हाँ कचिया दिया जलाना है, दिया भी जलाना है और क्या बोलते हैं मोमबत्ती भी, जो जो वाला जो दिया है। हाँ। सबसे मस्त था दिया, हम लोग दिया ही जलाते हैं, हम लोग मोमबत्ती लाइटिंग वगैरह कुछ यूज नहीं करते, कुमार घर से लाते हैं दिया और इसी से जलाते हैं, और इसी से जलाना ही चाहिए। दीपावली का है दीप से जलाना। हाँ। ये मोमबत्ती वगैरह ये सब क्या बोलते हैं, ये सब अच्छा नहीं लगता है सब। दीपावली में जो होता है हम लोग का दिया मिट्टी का, वही सबसे बेस्ट होता है।
तो दोस्तों देखिए अभी पकौड़ी पूरा बन गया है और क्या लग रहा है कलर देखिए, अच्छा भयानक कलर हो गया ना एकदम, पूरा एकदम मस्त कलर हो गया है, क्रिस्पी पूरा बना रही है। तो उठा कर रखेंगे इसको थाली में, तो यहाँ पकौड़ी रख दिए पूरा और एक बार होगा। चलिए डालिए इसको भी, पकौड़ी पूरा बना हुआ होगा उसके बाद फिर बनाना है ब्रेड चॉप, ब्रेड भी लाए हुए हैं तो ब्रेड चॉप भी बनाना है आज, मस्त खाएंगे सबके कोई मिल गए। तो दोस्तों अब हम टेस्ट करने वाले हैं पकौड़ी को, देखने में तो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी लग रहा है, छूने में भी है। चलिए खाते हैं, आवाज़ सुन सकते आप लोग, इतना मस्त बना है क्या ही बोले, प्याज और भिंडी देख बनाए हैं, इतना क्रिस्पी बना है ना, मज़ा आ गया लेकिन खाने में। और अभी आ गया है आज़ाद, आज़ाद को भी पकौड़ी दे दी है, कैसा लगा? अच्छा लगा, बढ़िया लगा। फटाखा फोड़ने गया था, क्या फोड़ा उधर, पूरा फोड़ रहा है ना। पहले दिवाली की जो खुशी होती थी ना क्या ही बताए, एकदम दो दिन पहले से तैयारी करते थे, एकदम जो पेन होता है ना 2 रुपया मिलता है, गुड लक जिसको बोलते हैं, हम लोग अपना स्कूल जाते थे वहाँ ढूंढने के लिए, और तालाब है ना, तालाब के नीचे पूरा लाइन की लाइन चलाते थे, उस समय का बात ही अलग था बचपन का, बाकी अब उतना मज़ा नहीं आता, पहले जैसा मज़ा नहीं है अब। तो ये भी पूरा पक चुका है, ये देखिए ये भी पूरा क्रिस्पी बना, तो पकौड़ी सारा बन गया, अब बनाएंगे हम लोग ब्रेड चो। ये देखिए ब्रेड काट लेंगे, 8 को बनाएंगे टोटल, 4 ब्रेड लिए हुए हैं, इसमें 2 बन जाएगा, इसमें 2, इसमें तो, इसमें तो टोटल हो जाएगा 8, 4 जन हम लोग हैं, 2-2 को खाएंगे ना काफ़ी हो जाएगा, और पकौड़ी ऊपर से तो मस्त पेट भर जाएगा पूरा, और भात भी बनाए हैं लेकिन भात तो रह जाएगा, बासी खाएंगे, हाँ भूंज लेंगे खाएंगे, भूंजा हुआ भात जो मज़ा आता है ना क्या ही बोले, तो मज़ा आ जाता है खाने में भूंज के सुबह में। चलिए काटिए फटाफट, तो अभी देखिए पेस्ट भी पूरा रेडी हो चुका है, काट के भी रख दिए हैं, तो अभी यहाँ मिलाएंगे ब्रेड को और देंगे कढ़ाई पे। चलिए डालिए ब्रेड को, एक बार में एक ही भी देंगे, मस्त पकेगा, 2 को देना, एक ही देंगे, एक ही दीजिए ना, क्योंकि वाला जल जाएगा और वाला नहीं होगा, बात देखिए पूरा मस्त पक रहा है, तो ब्रेड भी पक गया पूरा अच्छी तरह से, कलर भी चेंज हो गया इसका, अब निकाल देंगे गिर जा रहा है, और फटाका देखिए फोड़ रहे हैं पूरा, झंझरा पिछड़ जाता है, नया झंझरा है। पूरा कंचिया दिया जला के आ चुके हैं, द्वार द्वार में जलाएं और फिर उठा के लेते आए, अब इसको पकाना है रोटी, तो यहाँ पर है ना अरवा चावल का है, देखिए नीचे भी है और ऊपर भी है, सभी को मिला के अभी पकाना है रोटी, क्या रोटी पकाएंगे, छिलका, छिलका पकाएगा ना, पहले छिलका पका देते, ये जब तक नहीं पकता था ना यहाँ से भागते नहीं थे घर से, पहले खा लेते थे उसके बाद, तो कौन वाला पका देते, हम खाते थे वाला, दूसरा वाला आप लोग के रख देते चुनी, ओ चुनी रख देते थे ना, ये तो रखे हुआ है, ओहो जब हम लोग आजाद इन लोग जिसे थे ना तब, अभी हम लोग घर में रहेंगे, अभी हम लोग कहाँ रहते थे पता, पूरा बाहर तरफ पूरा नुकचूरिया खेलते रहेंगे, नुका छुपी एकदम, कौन अंधार में कहाँ गली में घुस जाएंगे पता नहीं, मजा आता था। हाँ ये दादाजी को खाना है ना, तो अभी पका देंगे मस्त दादाजी के लिए रोटी, बाकी उधर गर्मा गर्म बन रहा पकौड़ी वगैरह ब्रेड चॉप वगैरह, तो वो भी खाएंगे और रोटी भी, आज रोटी सब सही पेट भरेगा हम लोग का पकवानी से। सो दोस्तों अभी पूरा सब पकवान बन के रेडी हो चुका है, ये देखिए आधा तो बांट के ही ख़त्म हो गया, बड़ी मम्मी इन लोग आए, चाची इन लोग आए, सभी को देते गए, बाकी मिल बांट के ही खाना चाहिए, आज मस्त दिन है, दीपावली है, तो हैप्पी हैप्पी रहना चाहिए सभी को, हैप्पी दीपावली। तो हम लोग का खाने को बारी आ गया, हम लोग बांट के खाएंगे, पापा उधर थोड़ा सा हेल्प कर दे रहे हैं माँ का, रोटी पका रहे हैं और इधर दादाजी रोटी खाना स्टार्ट कर दिए, उसी का रोटी बना, हाँ दादाजी के लिए स्पेशल रोटी बना है, बाकी ये सब भी अब खाएंगे हम लोग। बाकी चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल बनाएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो चलिए दोस्तों मिलते जल्दी अगले वीडियो में, बाय बाय।